सब्सक्राइब करें गजेस टीएलके को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ, ये भी एक ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो है। आज हम सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एंड सेल इंक्रीज कैसे करें। बहुत ही ईजी स्टेप है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, जब फेस्टिवल आता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे सेल आता है, जैसे कि बिग बिलियन डे सेल होता है और उसमें एक DOTD होता है, डील ऑफ द डे। तो हम सीखेंगे कि आज हम उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें एंड बायर को डिस्काउंट कैसे प्रोवाइड करें और अपनी सेल को बूस्ट कैसे करें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के पास। सबसे पहले आप अपने एक फ्लिपकार्ट का पैनल ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। जैसे कि आप जानते ही मेरा ये फ्लिपकार्ट का पैनल है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मेरे 9 ऑर्डर अभी तक मैं रिसीव कर चुका हूँ, वो भी पार्टिसिपेट करके 5% 10% ऑफ देने के बाद मेरे को ऐसे ऑर्डर रिसीव होते हैं। पर डे मेरे ऑर्डर काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे हम कैसे उसको पार्टिसिपेट करें, डील ऑफ द डे में पार्टिसिपेट कैसे करें। जो भी एक फेस्टिवल या फिर कोई भी डिस्काउंट डे आता है तो हम उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ग्रोथ में। ग्रोथ में जाना है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रमोशंस का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आते देखिए ये जो भी डील है, यहाँ पे ये डील लग रहा है ये नॉट ऑप्ट इन है, ठीक है। और जो ऑप्ट इन है यहाँ पे आपको दिखा देगा, और जो आप ऑप्ट आउट करोगे वो भी आपको यहाँ दिखा देगा, एंड जो एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि कल कोई भी डील ऑफ द डे था उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एक्सपायर होकर यहाँ आ जाएगा। और जो हमने ऑप्ट इन किया हुआ है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्ट इन किया हुआ है, एक्स्ट्रा 65 रुपीज़ में सीधे ऑफ दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारा किया हुआ है। एंड नॉट ऑप्ट इन में आप अपनी चॉइस कर लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। सुपर कॉइन देना चाहते हैं 50% ऑफ ऑन फैशन, ठीक है, 5% पे सुपर कॉइन देना चाहते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट में आप सुपर कॉइन भी अवेलेबल है, जिसके जब आपके पास ये काफ़ी सारे हो जाएंगे तो आप का वो रिडीम हो जाएगा। तो नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद काफ़ी सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बाय टू एंड 5% ऑफ बाय थ्री, ठीक है, इस तरीके का। जैसे मुझे बाय टू और मोर गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ, इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डील ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डील ऑफ द डे मैं दिखा देता हूँ, अगर मेरे अकाउंट में अवेलेबल होगा तो वो डेफिनेटली आपको दिखेगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ और नीचे गैस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक आ रहा 10% ऑफ एंड एक आ रहा 5% ऑफ। और हाँ गैस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये यूजुअल प्राइस बेस्ड डिस्काउंट होते हैं। आप ये सोचोगे कि यूजुअल प्राइस बेस्ड डिस्काउंट, यूजुअल प्राइस हम कैसे देखें, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है लिस्टिंग में, माय लिस्टिंग में क्लिक करना है। मैं दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप अपना एक कैटलॉग डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि इन सब को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद रिक्वेस्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए एंड लिस्टिंग फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये जनरेट हो रही है, जैसे कि जब तक ये जनरेट हो रही है तो जाके जल्दी से जाके इस बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जनरेट हो रही है, आप देखिए यहाँ पे जनरेटिंग दिखा रहा है एंड ये जनरेट हो गया। इसको डाउनलोड जैसे करेंगे, तो जैसे आप इसको फाइल को ओपन करेंगे अपनी एक्सेस शीट में, तो यहाँ पे एक यूजर प्राइस का एक ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये जल्दी से ओपन हो जाए। एंड गाइस, ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा।
तो यहाँ पे देखिए मैं जाते हैं, ये आ रहा यूजर प्राइस। ठीक है, जिन प्रोडक्ट का यूजर प्राइस आ जाता है उस पर वो डिस्काउंट अवेलेबल होता है। ये देखिए अभी कुछ है नहीं, जीरो है, जैसे कि नीचे आप देख के रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा यूजर प्राइस आ गया है। और हाँ, सेकेंड ही चीज़, जैसे ही मैं 5% पे लगाऊंगा, आपको सीधे जाना है यहाँ पे ऑफर डिटेल्स में। ऑफर डिटेल्स में यहाँ पे होता है एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज पर, एंड सेकेंड होता है जिस पे आप देना चाहते हैं। मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है 50 रुपये का, एक प्रोडक्ट है 100 रुपये का, तो आप चाहते हैं मैं 100 रुपये पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो आप उसी पे करिएगा। और यहाँ पे एलिजिबल लिस्टिंग भी आपको दिखा देता है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ को आपको वो लिस्टिंग आईडी दिखा दे कितने पर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे करके ये 403 मेरी लिस्टिंग आईडी है जिस पर मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ। ये सिंपली फ्लिपकार्ट से ही बन के आया है। अगर आप चाहते हैं मुझे नहीं, इन पे नहीं देना, तो यहाँ से आप सीधे उनको कम कर दीजिए और सीधे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। मैं आपको दूसरा ही बता दूंगा आप उस पर कैसे करते हैं, मैं सेकंड वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। एंड यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे ऑप्टिन का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्टिन का जैसे ऑप्शन आएगा, आई एग्री कर दीजिएगा, आई एग्री करने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये यहाँ पे ऑप्टिन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एंड सेल इंक्रीज करा सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप जाके कीजिए। अगर आप सेलर हैं, आपके पास सेलर अकाउंट है और आपके सेल नहीं आ रहे, तो आप अपने प्राइस को थोड़ा बढ़ा दीजिए। और हाँ, ये जो यूजर प्राइस आता है, ये 15 से 20 दिन बाद आपके प्रोडक्ट पे जनरेट होता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो गाइस चलते हैं फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।